So hello everyone, welcome to my channel and welcome to a new blog. Hope so you all are doing super duper great. So आज मैं बहुत सारा मतलब जो requested video थी, most requested video, उस video को मैं shoot कर रही हूँ आज. वो है मेरा hostel tour. So आज मैं hostel tour नहीं, room tour है, और जिसमें कि मैं अपना room दिखाने वाली हूँ. बहुत मेहनत की है, मैंने थोड़ी सफाई सफाई की है कि ताकि कोई मुझे जज ना करे इस चीज़ को लेके. So चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, वीडियो बाहर से स्टार्ट करना था, बट मैंने सोचा अंदर से स्टार्ट कर देती हूँ. बाहर भी बहुत सारे लोग होंगे, वो सारे मुझे घूरने लगेंगे. मे बी वो अनकम्फर्टेबल हो जाए या फिर वो मुझे अनकम्फर्टेबल कर दे, तो इसलिए मैंने अंदर से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया है. सो चलिए फिर बाहर चलते हैं, फिर मैं आपको बाहर से अंदर आते हुए पूरा दिखाऊंगी. सो चलिए फिर चलते हैं. इज़ 122, इट्स माई रूम. सो मेरे रूम के आगे कोई भी बालकनी नहीं, जैसे मतलब इनका थोड़ा स्पेस है, इस तरफ मेरा कुछ भी नहीं है. सो मेरे पास ये पूरा सा बड़ा एरिया है. सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अंदर की तरफ. ये मेरे रूम के जिस बगल में लाइट है, जो कि मेरे लिए बहुत 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 अच्छी बात है. अगर रात को कभी लाइट बंद रहती है तो मैं बहुत आसानी से यहाँ से खोल लेती हूँ. फिर पहले तो मतलब बहुत सारे जो हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, उन हॉस्टलों में ये वाला दरवाज़ा नहीं है, और मैं बहुत लकी हूँ हमारे रूम में ये वाला दरवाज़ा है, मतलब हमारे हॉस्टल में. और वन टू गो टेन टेन एन, दिस इज़ आर हॉस्टल रूम. सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से. मेरे एक्चुअली मेरे पास कोई है नहीं अभी ब्लॉग शूट करने के लिए, तो मैं खुद ही कर रही हूँ. ये मेरा मेन दरवाज़ा है, प्लस ये बड़ा वाला दरवाज़ा से बंद कर देते हैं फटाफट, की बाहर से हमें कोई देख ना ले. आते ही यहाँ पे स्विच बोर्ड्स, ये यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न मतलब नई नई चीज़ें हैं, लाइक जो बाकी हॉस्टल्स हैं, लाइक जो दूसरे हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी टाइम पहले बन चुके थे, तो उनमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है. फैसिलिटीज़ हैं, मतलब दिखने में थोड़ा वो पुराने वाले टाइप के हैं. लाइक मैं ऐसे जज नहीं कर रही हूँ चीज़ों को, बट ये नया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा नई नई चीज़ें हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर से दरवाजे से. सो गाइज, दरवाजे से एंटर करते हैं. यहाँ पे हमारे पास है कवर्ड 3 अलमीरा, जो कि हमें हॉस्टल प्रोवाइड करती है. ऑब्वियस ही बात है, हॉस्टल ही प्रोवाइड करती होगी जिस हिसाब से दिख रहा है. सो ये तीनों अलमीरा, यहाँ पे 3 सीटर है इसलिए 3 अलमारी हैं. तो चलिए फिर हम अलमारी चेक करते हैं. ये वाली खाली अलमारी है जो मेरा तीसरा रूममेट आएगा उसके लिए ये अलमारी. तो हमने यहाँ पे ना, मैंने मेरी रूममेट ने ये थोड़ा सामान रखा हुआ है, गद्दे गुद्दे रजाई रजुई जो ठंडियों के काम आती है, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बराबर पड़ती है जितनी गर्मी पड़ती है. प्लस हमने वहाँ पे शूज़ रख दिए हैं जितने भी हमारे पास हैं. और ये मेरा योगा मैट, बैग्स, कपड़े सारे पड़े हुए इसमें. ये क्योंकि खाली था, तीसरा यहाँ पे इस तरफ से बेड भी खाली है, तो इस वजह से हम लोग ये वाला एरिया जो है पूरा जो खाली हमारे पास, वो हम इसे यूज़ कर लेते हैं. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट कवर्ड. और ये मेरी रूममेट का है, तो उनका सामान है तो मैं नहीं खोल के दिखाऊंगी. और ये वाला है जो सबसे फर्स्ट वाला है, ये वाला मेरा है. बाकी ये वाला खाली है जो तीसरी रूममेट आएगी, और ये वाला दीदी का है. चलिए फिर मैं अपना कवर्ड खोल के थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ. टन टन डीडा डीडा. सो गाइस, दिस इज माय कवर्ड, जिसमें कि फर्स्ट में मेरा देख ले इतना मतलब बहुत सामान पड़ा हुआ है, बहुत सबसे ज़्यादा मेरी रूममेट से ज़्यादा सामान मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे. और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अलमीरा थोड़ा छोटी है तो मेरे को सामान के लिए बहुत मुश्किल होती है. ये मैंने कीले खुद ही ठोकी है इनमें, ताकि मैं थोड़ा ये चीज़ें लटका सकूँ और कर पाऊँ इसको अच्छे से. और ये तीनों में मेरा सामान भरा हुआ है. इधर भी बहुत सारा सामान था, बुक्स थी, वो मैंने शिफ्ट कर दिया कहीं और फिलहाल. तो और बस इतना ही, बाकी बंद कर देती हूँ, ज़्यादा आप नज़र लगा देंगे मेरे सामान को. जस्ट किडिंग गाइस. सो ये था मेरा अलमीरा और ये बाकी उनका. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं रूम की दूसरे तरफ, कि बाकी रूम्स में क्या क्या है. तो मैंने दिखाई दिया है ये वाला मेन दरवाजा है. दरवाजे के जस्ट बगल पे ही तीसरा बेड है. ये तीसरा बेड हमारी जो रूममेट आएगी उसके लिए, प्लस उसका टेबल यहाँ पे लगेगा और चेयर भी. और स्विच बोर्ड है यहाँ पे बेड के पास में, इस वाले इंसान के लिए जो यहाँ पे रहेगा. बाकी ये मेरी बकेट्स, ये सब कुछ हमने पूरा घेरा हुआ है. जब तक हमारी तीसरी रूममेट नहीं आ जाती तो तब तक हम घेर के चलेंगे. जब से मैं हॉस्टल आई हूँ तब से मैं सिर्फ 2 सीटर में रह रही हूँ, एक मैं और एक मेरी रूममेट. पहले मेरी रूममेट कोई और थी, फिर दीदी आई, तो बस मैं 2 सीटर के मज़े ले रही हूँ. बट ये मज़े ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं, अब नए बच्चे आने वाले हैं, वो रहना स्टार्ट कर देंगे.
और ये हूँ मैं, और ये मिरर है हमारा, हमारे रूम का। ये मेरी कज़न रहती थी हॉस्टल में, उसने मुझे ये मिरर दिया था। बाकी मिरर ये आपका ऑप्शनल है, आपको खुद से लगवाना है या लगाना है तो आप खुद से कर सकते हो। ये देखो ना, देसी जुगाड़ के साथ हमने लगाया है टेप के साथ। और यहाँ पे जितने हैं, मतलब लाइक यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसके लिए एक लाइट, ये दूसरी लाइट, ये लाइट अच्छे से चल नहीं रही बट स्टिल मैंने खोली है थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए, और मेरे तरफ की लाइट वो रही। फिर आते हैं, ये दीदी का एरिया है, ये वाला पूरा दीदी का एरिया है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, ये आप ऐसे ऊपर देख लो, बस इतना सा एरिया दीदी के लिए मिला है। और दीदी वैसे MSc वाली है, दीदी को ये वाला हॉस्टल प्रोवाइड हुआ है। कि भागीरथी और यमुना में UG+PG होता है, जैसे मंदाकिनी और सरस्वती में तो मिलता है UG वालों को, सॉरी PG वालों को, बट कभी कभी चांसेस ऐसे भी होते हैं कि उनको यहाँ पे भी शिफ्ट कर देते हैं। तो दीदी MSc वाली है, MSc मैथ्स है। तो आगे बढ़ते हैं। गाइस, दिस इज़ माय एरिया। आपने बहुत बार मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, ब्लॉग्स में नहीं तो शॉर्ट्स में तो ज़रूर देखा होगा कि ये वाला मेरा एरिया है। सो इस एरिया में जो हॉस्टल से प्रोवाइडेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये अलमारी हो गई, दूसरा ये बेड हो गया, और तीसरा ये चेयर टेबल। ये बस ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइडेड होती है, बाकी और वो शेल्फ। कर्टन्स भी आपको खुद के लाने पड़ते हैं, ये मेरी कज़न ने मुझे कर्टन्स दिए थे। और ये मेरा अभी तक मेरी कम्बल नहीं छूटी, गर्मियाँ ख़त्म होने वाली है बट मेरी कम्बल नहीं छूटी। बाकी ये मेरा बेड है, इसमें जो गद्दे पड़े हुए, रजाई, जितना भी आपको यहाँ पे बाहर का सामान दिख रहा है वो सारा खुद का पर्सनल लाना पड़ता है। हॉस्टल नहीं प्रोवाइड कराता है ये कुछ, सिर्फ बेड प्रोवाइड कराएगा हॉस्टल। और ये मेरे पिलो, और ये मैंने खुद से ही बनाया था। ये एक्चुअली ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट का था, मतलब मैंने खुद की क्रिएटिविटी की। ये जगरांडा मिमोसिफोलिया, ये एक पेड़ के शीट्स होते हैं इसके अंदर, शायद आप लोगों ने देखा होगा, नीला गुलमोहर भी बोलते हैं, नीले कलर का पेड़ होता है उसका। और ये रस्सी मैंने लैब से, मैम से पूछ के ली थी, ये जूट वाली, प्लस ये डंडा मैंने नीचे से ले लिया। ये है मेरी क्रिएटिविटी जो छुट्टियों में की है मैंने। अभी एक महीने की छुट्टी थी तो मैं जोशी में गई थी, इसमें से प्रियांशु ने ये जो प्रियांशु मेरा भाई है, आपने देखा होगा पहले भी, उसने मुझे ये बना के दिया है। सो आते इस वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में जब मेरा बर्थडे था उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने दिया था मुझे ये, मेरे डेकोरेशन जब की थी, आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग तो आप लोगों को पता होगा। और ये बाकी फ्लावर का, जब मैं एक्चुअली मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी तो मुझे ज़्यादा याद होता नहीं है इस फ्लावर का कॉमन पार्ट्स, मतलब फ्लावर के तो मैंने ये पेस्ट कर दिया। और ये हम मेरे जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसका टाइम टेबल, अभी भी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कल देखिए मेरा 16 को भी एग्ज़ाम है। और बाकी ये है हमारे छमछमाते हुए फूल, जो कि मैं और ये अभी लेके आए थोड़ी देर पहले। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ का ये है कि जो ये हमारे पास तीनों स्विच हैं, ये बोर्ड्स, ये हमारे ऐसे लाइन में दे दिए ऐसे। इन्होंने मुझे समझ ही नहीं आता क्या समझ के ये हॉस्टल बनाए कि तीनों बेड लड़कियाँ सारी तीनों इकट्ठा सोएंगी यहाँ पे मिलके। आई डोंट नो, इतना तो स्पेस नहीं है यहाँ पे, अगर दो बेड आ जाते हैं तो वैसी वो हो जाता है, स्पेस बचता ही नहीं इधर टेबल के लिए। उसके बावजूद इन लोगों ने तीनों स्विच बड़े बड़े वाले इधर दे दिए, बाकी एक एक बेड के पास दे दिया है। बट पता नहीं क्या सोच के दे दिया, वह स्पेस बाकी बहुत कम है रूम की, जितना भी यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है बट इतना है नहीं रूम। और ये वाला मैंने जो प्रैक्टिकल्स अभी मेरे चल रहे, तो प्रैक्टिकल्स के नोटबुक्स वगैरह सब। और ये हमारे पास है स्नेक प्लांट क्यूट से फ्लावर पॉट में, और ये मेरा मनी प्लांट, अगर ज़्यादा पैसे हो गए तो गाइज आपको भी दे दूँगी ये मनी प्लांट और बाकी वाला सामान। और आते हैं इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में हमको शेल्फ दिए, ये हॉस्टल ने प्रोवाइड कराए हैं सामान रखने के लिए। तो स्टार्टिंग में मेरा सबसे ऊपर तो मेरा मंदिर ही है, पूरा सेट है, काफ़ी एरिया घेरा हुआ मंदिर ने। और फिर उसके बाद आता है ये मेरे बर्तन हैं, बाकी नीचे वाला एरिया दीदी का है। अगर मेरी इफ तीसरी रूममेट आती तो मुझे ये वाला शेल्फ खाली करना पड़ेगा उसके लिए, बाकी मेरे पास जो वो इतनी बचती नहीं। वैसे भी मेरा सामान इतना सारा हो रहा है, मुझे वैसे भी नहीं स्पेस इतना इनफ हो पा रहा है, बिकॉज़ हमारी जो अलमारी है वो काफ़ी छोटी है। जब मेरी तीसरी रूममेट आई या कुछ होगा तो मैं ऊपर डाल दूँगी सामान, आधा मैंने बेड के नीचे भी डाला हुआ है, देखो
इन पेटियों में मैंने बुक्स भरी भर के डाली हुई हैं कुछ, और ये मेरी बकेट। और एक और बात, अपनी आप लोग जो भी आओ तो अपनी इमरजेंसी लाइट ले आना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है और हमको बिना लाइट के रहना पड़ता है, तो अपनी लाइट लेके आना। और प्लस ये हमारे प्रोवाइड कराए रहते हैं, रात को अगर आपको खोलना है तो आप खोल सकते हो, वरना बहुत बार ऐसा होता है लाइट चली जाती है और कुछ सोर्स नहीं होता। मतलब हॉस्टल इतना बड़ा है, यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, बट इन पे खुद का इन्वर्टर भी नहीं है, तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा एडजस्ट। सो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, जितना हो सका मैंने उतना दिखा दिया है, और होप्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। एक और बार रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए मैं, चेयर चेयर, और मेरे चेयर पे टेबल, ये लैपटॉप का बैग हमेशा पड़ा रहता है, लैपटॉप मुझे निकालने की बार बार निकालती हूँ, तो इसलिए मैंने ये इसी पे रखा हुआ है। सो बता देती हूँ, जो ये टेबल है इसमें एक ये ड्रॉवर है, ये चेयर टेबल और बेड और अलमीरा, ये सब हमें हॉस्टल प्रोवाइड कराता है। और बाकी यहाँ पे बाहर की कोई भी चीज़ बड़ी वाली चीज़ लाना अलाउड नहीं है। सो ये है मेरा रूम, जिसको अभी मैं डिफरेंट एंगल से दिखाती हूँ। इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। सो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में आप लोगों की, अगर और क्वेरीज होंगे तो आप प्लीज़ बताइए, हॉस्टल से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं मैं उनका रिप्लाई मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता उन कोर्सेज के बारे में। बहुत बड़ा कैंपस है, तो मैं ये ज़रूरी, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारे कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बता पाऊँ। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ, उतना बेस्ट दे रही हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। सो चलिए फिर यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। होप्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा ब्लॉग, तो तब तक ले मेरी वीडियोस को शेयर किए, लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, किसी के रिलेटिव, किसी के फ्रेंड्स, कोई भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा है, तो चाहिए प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुँचाइए, और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय।